देखिए थोड़ा एंगल के बारे में और बात कर लेते हैं आगे। अगर कहा जाए फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन अगर है ऐसा कि देखिए वेक्टर की बात चल रही थी वो तो आपको पता ही है। देखिए वेक्टर ठीक, तो क्वेश्चन ये हमारा कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो मान लिया ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर थीटा है तो हमको ये थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब देखिए एक छोटा सा नियम याद रखिएगा, ये थीटा कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा और ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, यानी कि जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो के बराबर या बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल होगा। तो जो थीटा है इसके बारे में आपने ये देखा कि ये एक रूल है। ठीक, और एक चीज़ और जान लीजिए कि हमेशा अगर दो वेक्टर के बीच एंगल हमें कैलकुलेट करना है तो टेल को टेल से जोड़ना ही पड़ेगा, हेड का हेड से जोड़ने से भी काम नहीं चलेगा, टेल को टेल से जोड़ना पड़ेगा। देखिए जैसे हम अगर आपको बताएं, थोड़ा सा ये एक एग्जांपल देते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लिया ये कोई क्वेश्चन है, जैसे ये हमने क्वेश्चन दे दिया, जैसे कोई क्वेश्चन है ये कि जैसे ये दो वेक्टर दे रहे हैं, मान लिया ये एक वेक्टर दे रखा हमने, जैसे ये एक वेक्टर दे रखा हमने ऐसे करके, इसका नाम है ए वेक्टर, हॉरिजॉन्टल से ये, चलो वर्टिकल से ले लेते, कहाँ से ले लें, वर्टिकल से ले लें, वर्टिकल से इसने 30 डिग्री बना दिया। ठीक, एक दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये जैसे दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, देखिए दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसने हॉरिजॉन्टल से मान लिया 45 एंगल बना दिया। ठीक, एक तीसरा वेक्टर सी वेक्टर है, ये देखिए सी वेक्टर है, ये तो हॉरिजॉन्टल, इसने मान लिया वर्टिकल से एंगल बनाया 60 डिग्री। ठीक, ये वेक्टर, अब आपको बताना है यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से बताना आपको कैलकुलेट एंगल बिटवीन देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक, एंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये आपको कैलकुलेट करना। ठीक, इसे आप कैलकुलेट करिए। चलिए देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, हम आपको अब इसका आंसर बताने जा रहे हैं, थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। देखिए अगर इसे रब कर रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, थीटा कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा और जीरो से कभी छोटा नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेना है और आपको पता है कि टेल को टेल से मिलाएंगे तभी एंगल बनेगा, तो टेल को टेल से मिलाते हैं, जो ए वेक्टर है इसको ये है, अगर इसको शिफ्ट कर दे तो इधर इसका ये टेल यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया। चलिए ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया। अच्छा, ए वेक्टर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री, तो ये वर्टिकल से कितना बनाएगा, 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल, और बी वेक्टर को हमने जो शिफ्ट किया तो ये आ गया यहाँ पर हमारे पास ऐसा, ये वेक्टर हो गया। देखिए टेल से टेल मिल रहा है, बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा था, 45 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से बी वेक्टर कितना बनाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए बारी सी वेक्टर की है, सी वेक्टर को ऊपर ले जाए। ठीक, तो हमने कहा कि सी वेक्टर को ऐसे बनाते हैं, टेल से टेल मिल रहा है, ये हमारे पास सी वेक्टर, सी वेक्टर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था, 60 डिग्री, तो सी वेक्टर वर्टिकल से बनाएगा 60 डिग्री। ठीक, सी वेक्टर वर्टिकल से कितना बना रहा था, 60 डिग्री, तो ये यहाँ भी वर्टिकल से 60 बनाएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक, आपको पता है अल्टरनेट एंगल कैसे होता है। ठीक, तो अब देखिए ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, लेकिन ये वेक्टर के एंगल थे तो शिफ्ट करने पर वो चेंज होंगे ही। अब आप देखते हैं, अब हमको पहला क्या क्वेश्चन है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है, तो ए और बी के बीच का एंगल, देखिए ये 30 तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री, तो
तो ए बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 60 + 45 = 105। ठीक, तो ये जो आंसर आएगा इसका, ये आ गया 105 डिग्री। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, सही होगा। ठीक, 105 डिग्री। अच्छा, दूसरा क्या है, बी एंड सी वेक्टर। अब देखिए कितना आसान हो गया, बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल, ये 45 तो ये 45, 60 + 45 फिर से आ गया हमारे पास 105 डिग्री, आ गया 105 डिग्री। अब देखिए ए और सी वेक्टर ये पूरा कितना एंगल बन रहा है, देखिए 60 + 45, यहाँ पर कितना 45 + 60 = 105, ये पूरा कितना हो गया, ये यहाँ से अगर पूरा देखेंगे तो ये कितना हो गया 60, देखिए टेल टू टेल मिला हुआ है, 60 + 45 = 105, ये वाला पूरा एंगल ये कितना था 105, और ये कितना था 45 + 60 = 105, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड सी 105 और 105 कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया भैया 200। तो क्या आपको लगता है कि ये सही एंगल है, नहीं लगता तो फिर इसका एंगल कितना होना चाहिए, चलिए आपने बताया ये 210 डिग्री, कैसे 210 डिग्री आपको दिख रहा है, यानी कि 105 210 डिग्री, लेकिन ये आंसर क्या होगा, गलत होगा पूरी तरह से। 210 डिग्री आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि थीटा की वैल्यू कभी भी 180 डिग्री से बड़ी नहीं हो सकती, तो यानी कि ये इधर का एंगल ए और सी के बीच का तो एंगल है ही नहीं है, तो फिर कौन सा एंगल है, तो फिर इधर का एंगल है, तो इधर का एंगल कितना होगा ए और सी के बीच का, देखिए यहाँ से अगर हम ये चलें तो ये हो गया हमारे पास 30, ये 60 30, ये कितना 90, और ये कितना 30, तो कितना हो गया 90 + 30 = 120 और 30 = 150, यानी कि ये 180 से कम हो रहा है, यानी कि ए और सी के बीच का एंगल हो गया 150 डिग्री। करेक्ट, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब एक अलग से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर आ गया सी वेक्टर। अगर ये एंगल हमारे पास जैसा कि दिख रहा 45 है, तो कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए बी, ए एंड बी वेक्टर, पहला क्वेश्चन। दूसरा ए सी निकाल लेते हैं, दूसरा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, और तीसरा बी सी निकाल लेते हैं, तीसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कैलकुलेट करिए, देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, अब हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। थोड़ा आंसर इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले मैं इसे ये बना दें, ठीक, एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं। इसको जब हमने ड्रॉ कर दिया तो ये जो वेक्टर है ये कैसे है, ये वेक्टर 45 डिग्री पर है, कैसे है ये देखिए, ये वेक्टर 45 डिग्री पर, कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है। अच्छा, सी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। और ये वाला जो वेक्टर होगा ए वेक्टर, ये कहाँ है, ये ए वेक्टर, ये देखिए ए वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, बी वेक्टर कहाँ है, ये देखिए, इसको ऐसे हमने उठाया, बी वेक्टर इस पर हमने ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक, ये पूरा, ये देखिए पूरा वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर सी। अब आप हमें बताएं ए बी के बीच का एंगल कितना, ए और बी कहाँ है, ए और बी के बीच का एंगल, देखिए ये ए बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देखिए तो ये हो गया आंसर 90 डिग्री। दूसरा ए और सी बीच का एंगल, ए और सी वेक्टर के बीच का एंगल, तो क्या इधर से आए बड़ा हो जाएगा, इधर से आए तो 90 + 45 कितना हो गया 135, यानी कि ये हो गया 135, देखिए 90 और ये कितना 45, तो 90 + 45 = 135, 180 से छोटा है, ये सही है।
तीसरा बी एंड सी वेक्टर। अब बी और सी वेक्टर के बीच इधर से तो बड़ा हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा, इधर आ जाएंगे तो ये कितना हो गया 45 और 90, देखिए 135, यानी कि 135 एंगल। यानी कि अगर हमको बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल लेना है तो टेल से टेल देखिए जोड़ना पड़ा, और जोड़ना पड़ा तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो गया 135 डिग्री। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगल से रिलेटेड अगर हमने बात किया है तो अगला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, जैसे अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इससे हमने कहा एक वेक्टर ए है जिसका एंगल है मान लिया 45 डिग्री। ठीक, दूसरा वेक्टर ये एक्स एक्सिस है, हमने कह दिया एंगल कितना है 30 डिग्री, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। तीसरा हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस था, एंगल हमने मान लिया, एक सेकेंड, एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री, कितना माना 60 डिग्री, ये कौन सा वेक्टर था, सी। ऐसे करके हमको एंगल अगर गिवन है तो हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड द एंगल बिटवीन, देखिए पहला क्या है, पहला क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा क्या है, कह रहा है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा क्या कह रहा है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक, ट्राई करिए इसे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल आसान सा आंसर वही एक्स वाई एक्सिस पर हम लेते हैं। कैसे, देखिए ये जो ए वेक्टर है तो ए वेक्टर है ठीक, ये जो ए वेक्टर है ये कैसे बना हुआ है, यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा, ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना बता रहा 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री लेकिन किधर, नीचे की तरफ, तो ये भी वेक्टर है ये बना रहा है 30 डिग्री कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, सी वेक्टर किधर बना रहा 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो सी वेक्टर है यहाँ पर देखिएगा सी वेक्टर है ये वाला, सी वेक्टर थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन मान लेते हैं ये कितना बना रहा 60 डिग्री, सी वेक्टर का एंगल है 60 डिग्री, यहाँ से देखिए सी वेक्टर, और ये हमने बनाया आपको बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर 30 डिग्री। अब हमको एंगल निकालना, अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, ये तीनों चीज़ें, तीन क्वेश्चन से कितने आसान हो गए। ठीक।